पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों की संसदीय समिति पेगासस से जुड़े नागरिक डेटा सुरक्षा और सिक्योरिटी विषय को लेकर बैठक करेगी। ये बैठक 28 जुलाई को होगी। इसमें आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट ने कहा, पेगासस जासूसी का विषय बेहद गंभीर है। निजता एवं संवैधानिक परंपराओं के हनन से लोग विचलित हैं तथा उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार को इसकी समयबद्ध तरीके से उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच करवाकर सच्चाई के साथ देशवासियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार थे और जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कोई ऐसी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बोलती है कि हमने इलीगल नहीं किया, तो फिर किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, किसने करवाया, कब तक करवाया, और बहुत सारे खुलासे होंगे जब हम इसकी परत उसकी तह तक पहुंचेंगे। तो हमारी सबकी ये मांग रही है कांग्रेस पार्टी की और इसको लेकर पूरे देश भर में, क्योंकि ये जब राहुल गांधी जी का नाम आया और नेताओं के नाम आए तो ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस प्रकार में अगर लोगों की प्राइवेसी को उसका हनन होगा, संवैधानिक परंपराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, इससे सब देशवासी बड़े विचलित हैं, आहत हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इसको लेकर जन आंदोलन करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रदेश में राजभवन का घेराव हो रहा है, कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जयपुर में हम लोग करेंगे, समूचे देश में होगा। लेकिन जनता, पब्लिक, आम मतदाता जानना चाहता है कि इसमें किसका रोल था, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी, अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच से दूर भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल का खुलासा हुआ है और अभी तो बहुत लिमिटेड नाम सामने आए हैं, हो सकता है और भी नाम सामने। पाल, नोएडा, इंदौर, जयपुर जैसे कई स्थानों पर दैनिक भास्कर ग्रुप के कार्यालयों पर छापा आयकर विभाग ने मारा है। अखबार के देश भर के कई कार्यालयों पर एक साथ छापा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भास्कर कई रिपोर्ट हाल में खूब चर्चा में रही थी। देश के बड़े अखबार समूह दैनिक भास्कर के देश भर में कई कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में गुरुवार सुबह दैनिक भास्कर के कार्यालय में छापा मारा गया। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की छापेमारी के तहत टीम प्रेस कॉम्प्लेक्स सहित आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद है। पूरा सर्च ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई टीम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बीच अखबार की डिजिटल टीम को घर से काम करने के लिए कहा गया है। भारत समाचार और पत्रकार ब्रजेश मिश्र के आवास पर भी इनकम टैक्स का छापा। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में भी भारत समाचार के पत्रकार वीरेंद्र सिंह के यहां भी छापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में निर्मित इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के नए आयाम स्थापित करेगा। मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जनपदों में नवस्थापित मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य का आशीर्वाद लेते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब हर ग्राम पंचायत का अपना भवन होगा और इसमें ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा जिसमें इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। इससे करीब 1,20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 33,500 ग्राम पंचायतों में भवन बने हैं। उनकी मरम्मत और विस्तार के लिए हर ग्राम पंचायत को 2.25 लाख रुपए दिए जाएंगे और जहां भवन नहीं है वहां पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाएगा। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर में कोई नरमी नहीं दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू का खुलकर समर्थन कर रहे विधायकों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खुले तौर पर दिखाई दे रहे विधायकों के खिलाफ खुली फाइलों को लेकर अब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से कार्रवाई करने के मूड में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
पहले की सरकारों व्यवस्था पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि यूपी में अब किसी को गलत करने की छूट नहीं है। अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर को जेल भेज दिया गया है। प्रोफेसर ने खुद को फिरोजाबाद कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां कोर्ट ने प्रोफेसर को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें 102 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 18 लाख लोग शामिल किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में 10 लाख लोगों को शामिल किया गया। इस तरह से इन दोनों योजनाओं में बचे रह गए 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य में जोड़ा जाएगा, जिसमें 102 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए उद्योगपति राज कुंद्रा के खातों की फोरेंसिक जांच होगी। इस बात की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि ब्रिटेन की कंपनी कैनरन प्राइवेट लिमिटेड कुंद्रा की कंपनी से संबंधित 13 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करती थी। फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट का खुलासा होने के बाद बीते पुलिस ने उद्योगपति पर शिकंजा कसा था। काशी प्रयाग के मध्य और विंध्य क्षेत्र के गोद में बसे सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को दशकों बाद भी पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिल सका है। इसके विकास के लिए कई बार कार्ययोजना तो बनाई गई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा सका। यहां पर प्रतिदिन स्थानीय के अलावा हजारों की संख्या में विदेशी मेहमान आते हैं। भारत में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक बना हुआ है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार हाल में देश के अलग अलग हिस्सों से लिए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के लिए लगातार जिम्मेदार बना हुआ है। इससे ही नए कोरोना संक्रमण केस बढ़ रहे हैं। वहीं COVID-19 टीकाकरण करवाने के बावजूद संक्रमण की चपेट में वाले अधिकांश मामलों में संक्रमण की वजह कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप है। कोरोना महामारी की अब तक दो लहर सामने आ चुकी हैं। पहली की तुलना में दूसरी लहर काफी ज्यादा आक्रामक रही, लेकिन पिछले और इस साल मई के मुकाबले इस बार मई में 30 गुना ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 11 राज्य चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां से आने वालों को हर हाल में COVID-19 नेगेटिव अथवा टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। प्रदेश में करीब 80,000 से अधिक निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि वह बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखें। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो उससे स्वास्थ्य विभाग को जरूर अवगत कराएं। निगरानी कमेटियों की कार्यप्रणाली की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। COVID-19 के कारण अनाथ हुई बालिकाओं के विवाह योग्य होने पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत शादी हेतु 1,01,000 दिए जाएंगे। कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को टैबलेट लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। उत्तर भारत में मानसून की एंट्री के साथ दिल्ली NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। यूपी के रायबरेली में कार आवारा मवेशी से टकराकर पलटी, कार सवार सिपाही की मौके पर मौत। भदोखर थाने के मुंशीगंज बाईपास की घटना, भदोखर में तैनात था सिपाही अमित सिंह परिहार। नोएडा की पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग की खास बात यह है कि ये ऑन डिमांड चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। यह गैंग ज्यादातर बुलेट मोटरसाइकिल की चोरियां किया करता था। यह ऑन डिमांड बुलेट की चोरी का बयाना लिया करते थे, उसके बाद चोरी कर वाहन को खरीदार के पास पहुंचा देते थे। बिसरख थाने की पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 2 कार और 16 मोटरसाइकिल बरामद की। जम्मू और कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति की एक झलक के बाद पिछले 6 हफ्तों में घाटी में आतंकवाद से संबंधित हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही सुरक्षा बलों पर हमलों में विदेशी आतंकवादियों की संख्या में तेजी आई है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 86 आतंकी मार गिराए हैं। सिर्फ जून और जुलाई में ही 36 आतंकी ढेर किए गए। जुलाई में बीते 20 दिनों में 10 एनकाउंटर्स हुए हैं। इन एनकाउंटर्स में 20 आतंकी मारे गए हैं। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।